गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम ट्रांसलेशन में लास्ट सेट ऑफ एडजेक्टिव्स 185 टू 200 इसको लर्न करेंगे और समझेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड दीज एडजेक्टिव्स। द फर्स्ट फाइव एडजेक्टिव्स आर वेरियस, कई, वार्म, गर्म, वीक, कमजोर, वेल्दी, धनी, वेट, गीला। एक बार दोबारा से मेरे संग बोलिए, वेरियस, कई, वार्म, गर्म, वीक, कमज़ोर, वेल्दी, धनी, वेट, गीला। अब हम इनकी स्पेलिंग्स को लर्न करते हैं और इनके मतलब को समझते हैं। द फर्स्ट वन इज वेरियस, वी ए आर आई ओ यू एस। मेरे साथ साथ बोलिए, वी ए आर आई ओ यू एस, वेरियस। वेरियस मतलब होता है कई, मतलब काफ़ी सारे तरीके के। जैसे कि आप लोग किसी शादी में या फिर किसी पार्टी में जाते हैं तो वहाँ पर वेरियस वैरायटीज ऑफ फूड स्टॉल्स होती हैं, मतलब काफ़ी सारे तरीके के खाने के आइटम वहाँ पर अवेलेबल होते हैं। तो वेरियस मतलब होता है कई सारी, ठीक है। अगला है वार्म, डब्ल्यू ए आर एम, वार्म, गर्म। इसको वार्म नहीं बोलते, इसको बोलते हैं वार्म, W A R M, वार्म मतलब गर्म। कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें पकड़ने में या हमें फील करने में हमारी बॉडी को अच्छी लगती है, गर्मी के फॉर्म में अगर हम लें तो उसको हम बोलते हैं वार्म। जैसे कि अभी विंटर्स चल रहे हैं तो कुछ लोग होते हैं जो हॉट वाटर से नहाते हैं। हॉट वाटर में और वार्म वाटर में इतना ही डिफरेंस है, हॉट जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ गर्म होता है, इतना तेज होता है कि हमारी बॉडी उसको बेयर नहीं कर पाती। और वार्म, जब हम वार्म वाटर अपनी बॉडी पर डालते हैं वो बेथ करते समय, तो हमारी बॉडी को बहुत ही अच्छा फील होता है। वार्म मतलब आप समझ गए होंगे, वार्म मतलब ये भी होता है, हम दूध का एग्जांपल लेते हैं, मिल्क का एग्जांपल लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जो तेज़ गर्म दूध पीते हैं, मतलब बिल्कुल ऐसा कि वो बॉइल्ड मिल्क होता है एंड दे जस्ट ड्रैंक इट और बस उसे पी लेते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो वार्म मिल्क पीते हैं, इतना गर्म कि बस पिया जा सके, इतना भी तेज़ गर्म नहीं होता कि उनको फूंक मार मार कर उसको पीना पड़ता है। तो वार्म मतलब होता है एक तरीके से हल्का गर्म जो हमारी बॉडी को अच्छा लगे। अगला है वीक, W E A K, वीक मतलब कमज़ोर, W E A K, वीक। वीक मतलब होता है कमज़ोर। अब कमज़ोर मतलब वीक जो है वो स्ट्रॉन्ग का अपोजिट वर्ड है। क्या है? जो स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर हमने पढ़ा था, मजबूत या ताकतवर, ये उसका अपोजिट वर्ड है। कोई भी ऐसा व्यक्ति या कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर ज़्यादा ताकत या फिर ज़्यादा एनर्जी नहीं होती उसको हम वीक बोलते हैं, और दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं नॉट स्ट्रॉन्ग, जो ताकतवर नहीं होता वो उसको हम वीक बोलते हैं, ठीक है। अगला है वेल्दी, W E A L T H Y, वेल्दी। वेल्दी मतलब होता है धनी, W E A L T H Y, वेल्दी। वेल्दी मतलब होता है धनी। अब वेल्दी और रिच दोनों ही सिनोनिम्स हैं, दोनों का मतलब एक जैसा ही है, बस शब्दों का फेर है, शब्द अलग अलग हैं लेकिन दोनों का मतलब एक जैसा ही है। जैसा कि रिच मतलब होता है जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है, तो वेल्दी का मतलब भी वही होता है जिसके पास काफ़ी सारा पैसा होता है, ठीक है। अब वेल्दी को हम केवल पैसे के फॉर्म में काउंट कर सकते हैं, लेकिन वेल्दी हम उस फॉर्म में भी काउंट कर सकते हैं, किसी के पास बहुत सारी नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, तो हम क्या बोलते हैं, भाई वो तो ज्ञान का धनी है, ज्ञान का धनी है, ज्ञान का अमीर है। मतलब क्या है, उसके पास ज्ञान जो है वो बहुतायत में है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो वहाँ पर भी हम वेल्दी यूज़ कर सकते हैं। तो रिच और वेल्दी हम केवल पैसों के फॉर्म में यूज़ नहीं करते, हम किसी भी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। बट जनरली जब हम रिच और वेल्दी वर्ड यूज़ करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में मनी ही स्ट्राइक होता है कि अगर रिच के बारे में बात हो रही है तो वो पैसों से ही अमीर होगा, वेल्दी के बारे में बात हो रही है तो वह पैसों से ही अमीर होगा, बट ऐसा जनरली होता नहीं है। अब जैसा कि आपने EVS में भी पढ़ा है, हम एग्जाम्पल लेते हैं कि जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं, दे आर रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स। तो वो उसमें पैसा थोड़ी ना है विटामिन का कि मिनरल थोड़ी ना है पैसे का,
मतलब उसके अंदर विटामिन और मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो जो चीज़ ज़्यादा होती है उसको भी हम रिच के फॉर्म में ले सकते हैं। एंड द लास्ट वन इन दिस सेट इज़ वेट। वेट मतलब होता है गीला। अब ये तो आप लोग बहुत ही अच्छे से जानते होंगे, वेट मतलब क्या होता है? गीला। कोई भी ऐसी चीज़ जो लिक्विड आइटम से कवर्ड हो, पूरी इस तरह से भीगी हुई हो, जिसको हम बोलते हैं कि कवर्ड है लिक्विड से, स्पेशली वाटर के फॉर्म में। जैसे जब हम अपने हेड वॉश करते हैं तो हमारे बाल गीले होते हैं, तो वेट हेयर्स बोल सकते हैं। या फिर हम अपने बिस्तर पर या फिर बेड पर पानी का गिलास जो है वो गलती से गिरा देते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? मम्मी बिस्तर गीला हो गया, बेड जो है वो वेट हो गया। तो पानी से ही तो भरा हुआ है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि वेट बेड या फिर वेट हेयर या फिर वेट क्लोथ्स, कुछ भी। तो चलिए एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। वेरियस कई, वॉर्म गर्म, वीक कमज़ोर, वेल्दी धनी, एंड वेट गीला। द नेक्स्ट फाइव आर होल संपूर्ण, विडोड विधवा, वाइल्ड जंगली, विंडी हवादार, वाइज बुद्धिमान। दोबारा से पढ़ते हैं। होल संपूर्ण, विडोड विधवा, वाइल्ड जंगली, विंडी हवादार, वाइज बुद्धिमान। अब हम समझते हैं इनके मतलब को। WHOLE होल, होल मतलब होता है संपूर्ण। अब इसको आप HOLE से कंपेयर मत कीजिएगा, ये ऐसे वर्ड हैं जिनकी साउंड तो सेम है लेकिन अर्थ अलग हैं, जैसा कि हमने इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा था। रिमेंबर, आई या तो हम केवल आई लिखते हैं तो इसका मतलब होता है मैं, या फिर हम EYEI लिखते हैं इसका मतलब होता है आँख। उसी प्रकार अगर हम HOLE होल लिखेंगे और इस WHOLE होल को पढ़ेंगे, दोनों बोलने में तो एक जैसे हैं बट दोनों का अंतर, दोनों के अर्थ में अंतर है। HOLE होल मतलब होता है छेद, कहीं पर भी छेद होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम होल बोलते हैं। और WHOLE का मतलब होता है संपूर्ण, मतलब कि पूरा, जितना भी है हमारे पास पूरा, ठीक है। तो होल मतलब होता है कोई भी चीज़ पूरी। जैसे कि आपके पास सपोज करिए एक फ्रूट है, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? मम्मी मैं इसे पूरा खाऊंगा, तो आई विल ईट इट होल। तो संपूर्ण मतलब क्या होता है? मैं इसको पूरा खा जाऊंगा, संपूर्ण खा जाऊंगा, ठीक है। इसको हम कंप्लीट से भी कंपेयर कर सकते हैं। अगला है विडोड, WIDOWED विडोड। विडोड मतलब होता है विधवा। अब विधवा क्या होता है? एक ऐसी लेडी, विधवा मतलब क्या होता है? विडोड मतलब एक ऐसी लेडी जिसके जो हस्बैंड होते हैं उनकी डेथ हो चुकी हो, उस लेडी को हम बोलते हैं विडोड या फिर विधवा। अंडरस्टूड? एक ऐसी लेडी होती हैं जिनकी, जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, उस लेडी को हम बोलते हैं विधवा या फिर विडोड। अब नेक्स्ट वर्ड इज वाइल्ड, WILD वाइल्ड मतलब जंगली। WILD वाइल्ड, वाइल्ड मतलब क्या होता है? जंगली। इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जनरली जो जंगली वर्ड है या वाइल्ड वर्ड है वो हम एनिमल्स और प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं जो अपने नेचुरल कंडीशन में जहाँ पर वे ग्रो करते हैं विदाउट किसी की हेल्प के, बिना किसी की देखभाल के अपने आप ही उग जाते हैं। जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे घर जो होते हैं उनकी छतों पर कहीं कोने में एक पेड़ निकल आता है, ठीक है ना, वो हमने ग्रो तो नहीं किया, इट जस्ट केम आउट, वो अपने आप ही आ गया। तो मम्मी पापा या फिर घर का कोई बड़ा मेंबर है वो क्या बोलते हैं? तो जंगली पौधा होगा। तो जंगली मतलब क्या है? कोई भी ऐसा प्लांट या कोई भी ऐसा एनिमल जो बिना किसी की हेल्प के, बिना किसी की मदद से अपने आप ही बढ़ता है, उसको हम बोलते हैं जंगली, ठीक है। आगे देख लेते हैं। द नेक्स्ट वन इज विंडी, WINDY विंडी मतलब हवादार। फिर से पढ़ते हैं, WINDY विंडी, विंडी का मतलब होता है हवादार। इसके वर्ड में ही आपको इसका अर्थ समझ में आ रहा होगा, हवादार मतलब खूब सारी हवा से। अब जैसे कि गर्मियां होती हैं तो उसमें तेज तेज हवा चलती है, या फिर अभी विंटर्स में भी कभी कभी सुबह के टाइम पर या पूरे
ऑल डे लॉन्ग क्या होता है, तेज तेज हवा चलती रहती है, तो हम क्या बोलते हैं, इट इज़ अ विंडी मौसम, इट इज़ अ विंडी सीजन, सॉरी हिंदी इंग्लिश मर्ज कर दिया, इट इज़ अ विंडी सीजन। जब आंधी तूफान होती है तो यही तो कहा था, बहुत हवादार मौसम था आज का तो, है ना, तो मतलब विंडी मौसम था, विंडी सीजन था, जब बहुत तेज तेज हवाएं चलती हैं, इट इज़ कॉल्ड विंडी। द नेक्स्ट वन इज वाइस, WISE, वाइस मतलब बुद्धिमान, WISE, वाइस, वाइस मतलब होता है बुद्धिमान, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास खूब सारी जानकारी हो, खूब सारा तजुर्बा हो, ताकि वो एक सेंसिबल डिसीजन ले सके, एक सेंसिबल फैसले पर पहुंच सके कि ऐसा होना चाहिए या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा टिपिकल हो गया आप लोगों के लिए, एक सिंपल वर्ड में मैं आपको समझाना चाहूँ तो ये इंटेलिजेंट का सिनोनम है। आपने इंटेलिजेंट वर्ड पढ़ा है ना, इंटेलिजेंट मतलब भी बुद्धिमान होता है, तो इंटेलिजेंट का ये सिनोनम है, इंटेलिजेंट मतलब भी होता है बुद्धिमान, जिसके पास खूब सारी जानकारी, खूब सारा दिमाग होता है, और वाइज मतलब भी वही होता है। आगे चलते हैं, द लास्ट फाइव एडजेक्टिव्स ऑफ आर सेट आर वंडरफुल, शानदार, वुडी लकड़ीदार, वुलन ऊनी, रॉन्ग गलत, यंग जवान। एक बार फिर से पढ़ते हैं, वंडरफुल शानदार, वुडी लकड़ीदार, वुलन ऊनी, रॉन्ग गलत और यंग जवान। WONDERFUL वंडरफुल मतलब शानदार। फिर से स्पेलिंग देख लेते हैं, WONDERFUL वंडरफुल मतलब शानदार, कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत ही अद्भुत है, जिसको हमने पहले कभी नहीं देखा, मतलब देखने में इतनी शानदार, इतनी भव्य, इतनी अद्भुत, फैंटास्टिक, जिसको देखकर मन खुश हो जाए, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हो गया ना, उसी को हम बोलते हैं शानदार। अगला है वुडी, WOODY वुडी, वुडी मतलब क्या होता है, लकड़ीदार, WOODY वुडी, वुडी मतलब लकड़ीदार, जैसा कि इसके नाम में ही है, लकड़ीदार, लकड़ी का बना हुआ, ठीक है ना, लकड़ीदार मतलब क्या होता है, लकड़ी का बना हुआ, हवादार, हवा से भरा हुआ, तो लकड़ीदार मतलब लकड़ी का बना हुआ, कोई भी चीज़ जो देखने में ऐसा लग रहा है कि लकड़ी का है या फिर वाकई में लकड़ी से बना हुआ है, उसको हम बोलते हैं वुडी लकड़ीदार। द नेक्स्ट वन इज वुलन, WOOLEN वुलन। आप लोग सोच रहे होंगे, मैम तो गलत प्रोनाउंस कर रही है, इसकी प्रोनाउंसिएशन ये तो होती नहीं है, वुलन वुलन होती है, राइट? जी नहीं, अभी तक हम लोग इसको गलत बोलते हुए आ रहे थे, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हम शुरू से बोलते हुए आते हैं तो लगता है कि हम ही सही हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि जो प्रोनाउंसिएशन हम यूज़ कर रहे हैं या फिर हम जो बोल रहे हैं ऑल द टाइम वही सही हो। अब आप एग्जाम्पल के तौर पे OUR इसको ही ले सकते हो, अभी तक हम इसको क्या बोलते थे, आवर बोलते थे, बट इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, आर। उसी प्रकार ये जो वर्ड है वुलन, इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन यही है वुलन, व पे छोटे ऊ की मात्रा ही आती है वुलन, ना कि बड़े ऊ की मात्रा, लेकिन हम लोग इसको क्या प्रोनाउंस करते हुए आ रहे हैं, वुलन, जो कि गलत है, तो इसको हम बोलेंगे वुलन। वुलन मतलब होता है ऊनी, सिंपल है, जो चीज़ ऊन से बनी हुई होती है, जैसे कि हमारे स्वेटर्स होते हैं या फिर हमारे सॉक्स होते हैं, कैप्स होता है, मफलर होते हैं, बहुत सारे आइटम्स होते हैं, तो जो भी चीज़ ऊन की बनी हुई होती है उसको हम बोलते हैं वुलन। अगला है रॉन्ग, WROONG रॉन्ग मतलब गलत, ये करेक्ट का एंटोनिम हो गया, मतलब करेक्ट का अपोजिट वर्ड हो गया, करेक्ट मतलब होता है सही और रॉन्ग मतलब होता है गलत, तो इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। एंड द लास्ट वन इज यंग, यस द लास्ट वन, YOUNG यंग मतलब जवान, यंग मतलब क्या होता है, जवान, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बूढ़ा नहीं होता उसको हम जवान बोलते हैं, या फिर यंग हम एज अ एडजेक्टिव वहाँ पर भी यूज़ करते हैं, जब हम बोलते हैं ना यंग वन ऑफ एन एनिमल, कि जैसे कि डॉग के यंग वन का नाम क्या होता है, अगर डॉग के हम बच्चे के बारे में बात करेंगे, जैसे पपी होता है, तो वो क्या होता है, यंग वन ऑफ अ डॉग, ठीक है ना, यंग वन ऑफ अ काउ, काफ, तो इस तरीके से हम यंग को दो फॉर्म्स में यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे आपके
200 एडजेक्टिव्स। तो चलिए हम सारे एडजेक्टिव्स दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं हमारा होमवर्क क्या है। वैसे तो मेरे ख्याल से आपको होमवर्क पता ही होगा, बट लेट्स डू इट वंस मोर। वेरियस कई, वार्म गर्म, वीक कमज़ोर, वेल्दी धनी धनी, वेट गीला, होल संपूर्ण, विडोड विधवा, वाइल्ड जंगली, विंडी हवादार, वाइज बुद्धिमान, वंडरफुल शानदार, वुडी लकड़ीदार, वुलन ऊनी, रॉन्ग गलत, एंड यंग जवान। एंड योर होमवर्क इज टू राइट ऑल दीज एडजेक्टिव्स 85 लिखा हुआ है 186 टू 200 इन योर नोटबुक इन हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय।